हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आमिर खान की सभी फिल्मों के नाम, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट के बारे में जानेंगे। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले हम जान लेते हैं आमिर खान की जीवनी के बारे में। दोस्तों, आमिर खान का जन्म 11 मार्च 1965 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम था ताहिर हुसैन और माता का नाम था जिन्नत हुसैन। दोस्तों, आमिर खान की पहली फिल्म साल 1973 में आई थी, यादों की बारात। इस फिल्म में हमें आमिर खान बाल कलाकार के रूप में नजर आए थे। इस फिल्म में हमें आमिर खान, धर्मेंद्र, विजय अरोरा, तारिक, जिन्नत अमन और नीतू सिंह नजर आई थी। इस फिल्म की बजट थी 1 करोड़ और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 2 करोड़ 60 लाख की, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद साल 1974 में आमिर खान की दूसरी मूवी आई थी मधोश। इस मूवी में भी हमें आमिर खान बाल कलाकार के रूप में नजर आए थे। इसमें हमें आमिर खान, महेंद्र संधु, रीना रॉय, राकेश रोशन और हेलेन नजर आई थी। इस मूवी की बजट, कलेक्शन और वर्डिक्ट की कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है। इसके बाद साल 1984 में आमिर खान की तीसरी मूवी आई थी होली। इस मूवी में हमें आमिर खान, आशुतोष गोरीकर, ओम पुरी, श्रीराम लागू, दीप्ति नावल और मीना पाठक नजर आई थी। इस मूवी की बजट थी 50 लाख और इसने कमाई की थी 5 लाख की, और ये मूवी डिजास्टर हुई। दोस्तों, इसके बाद साल 1988 में आमिर खान की चौथी मूवी आई थी कयामत से कयामत तक। इस मूवी में हमें आमिर खान और जूही चावला मुख्य भूमिका में नजर आई थी। दोस्तों, ये आमिर खान की पहली एज अ सोलो लीड एक्टर मूवी थी। इस मूवी की बजट की कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसने दुनिया भर में कमाई की थी 5 करोड़ की, और इसी के साथ यह मूवी सुपरहिट साबित हुई थी। साथ ही इस मूवी में आमिर खान को बेस्ट मेल डेब्यूट का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, और इसी के साथ इस फिल्म ने कुल 8 अवार्ड अपने नाम किए थे। इसके बाद साल 1989 में राख मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान और सुप्रिया पाठक मुख्य भूमिका में नजर आई थी। इस मूवी की भी बजट की कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसने कमाई की थी 50 लाख की, और यह मूवी डिजास्टर हुई। लेकिन इस मूवी ने कुल 3 अवार्ड जीते थे। इसी साल में लव 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 मूवी आई थी। यह मूवी साल 1985 में आई हॉलीवुड मूवी टफ टर्फ की हिंदी रीमेक थी। इसमें हमें आमिर खान, जूही चावला, गुलशन ग्रोवर, रजा मुराद, दलीप ताहिल और ओम शिवपुरी नजर आए थे। इस मूवी ने कमाई की थी 2 करोड़ 8 लाख की, और यह मूवी एवरेज रही। इसके बाद साल 1990 में अव्वल नंबर मूवी आती है। इस मूवी में हमें आमिर खान, देव आनंद, एकता सोहिनी, नीतू पुरी और आदित्य पांचोली नजर आए थे। इस मूवी ने भारत में कमाई की थी 80 लाख, और यह मूवी डिजास्टर साबित हुई थी। इसी साल में तुम मेरे हो मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, जूही चावला और कल्पना अय्यर नजर आई थी। इसकी बजट थी 2 करोड़ 10 लाख, और इसने कमाई की थी 3 करोड़ की, और यह मूवी एवरेज रही। इसी साल में दिल मूवी आती है। इस मूवी में हमें आमिर खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर और शाहिद जाफरी नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 2 करोड़ और इसने कमाई की थी 10 करोड़ की, और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। साथ ही इस फिल्म में माधुरी दीक्षित को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसी साल में दीवाना मुझसा नहीं मूवी आती है। इस मूवी में हमें आमिर खान, माधुरी दीक्षित और जितेंद्र नजर आए थे। इस मूवी ने कमाई की थी 1 करोड़ 2 लाख की, और ये मूवी डिजास्टर थी। इसी साल में एक और मूवी आई थी, जवानी जिंदाबाद। इस मूवी में हमें आमिर खान, फरहानाज, जावेद जाफरी, रोहिणी और कादिर खान नजर आए थे। इस मूवी की कमाई हुई थी 1 करोड़ 30 लाख की, लेकिन ये मूवी फ्लॉप थी। इसके बाद साल 1991 में अफसाना प्यार का मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, नीलम, दीपक तिजोरी और नीतू पुरी नजर आई थी। इस मूवी ने कमाई की थी 2 करोड़ 1 लाख की, और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल में दिल है कि मानता नहीं मूवी आती है। यह मूवी साल 1934 में आई हॉलीवुड मूवी इट हैपेंड वन नाइट की अनऑफिशियल हिंदी रीमेक थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, पूजा भट्ट, अनुपम खेर, टीकू तलसानिया और राकेश बेदी नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 2 करोड़ 23 लाख, और इसने कमाई की थी 5 करोड़ 90 लाख की, और ये मूवी हिट हुई थी। इसके बाद साल 1992 में दौलत की जंग मूवी आई थी। इसमें हमें आमिर खान, जूही चावला, परेश रावल, दलीप ताहिल और किरण कुमार नजर आए थे। इस मूवी ने कमाई की थी 2 करोड़ 3 लाख की, और ये मूवी फ्लॉप थी। इसी साल में जो जीता वही सिकंदर मूवी आती है। इस मूवी में हमें आमिर खान, आयशा झुलका, दीपक तिजोरी, पूजा बेदी और मामिक सिंह नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 2 करोड़ और इसने कमाई की थी 6 करोड़ 60 लाख की, और ये मूवी हिट हुई थी, और इस मूवी ने कुल 2 अवार्ड अपने नाम किए थे। इसी साल में मूवी आई थी इसी का नाम, जिंदगी। इस मूवी में हमें आमिर खान, फरहानाज, प्राण, शक्ति कपूर और असरानी नजर आई थी। इस मूवी ने कमाई की थी 1 करोड़ 8 लाख की, और यह मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद साल 1993 में आमिर खान की परंपरा मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, सुनील दत्त, विनोद खन्ना, सैफ अली खान, अश्विनी भावे, रम्या कृष्णानंद, रवीना टंडन और नीलम कोठारी नजर आई थी। इस मूवी की
बजट की कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसने 1.5 करोड़ की कमाई की थी और यह मूवी फ्लॉप साबित होती है। इसी साल में हम है राही प्यार की मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, जूही चावला, शाहरुख, बलूचा और कुणाल खेमू नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 2.5 करोड़ और इसने कमाई की थी 9.8 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। साथ ही इस मूवी ने कुल 5 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए थे। इसके बाद साल 1994 में आमिर खान की अंदाज अपना अपना मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, परेश रावल और शक्ति कपूर नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 2.90 करोड़ और इसने कमाई की थी 8.65 करोड़ की और ये मूवी सेमी हिट हुई थी। इसके बाद साल 1995 में बाजी मूवी आती है। इसमें हमें आमिर खान, ममता कुलकर्णी, परेश रावल और आशीष विद्यार्थी नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 3.50 करोड़ और इसने कमाई की थी 8.81 करोड़ की और ये मूवी अबव एवरेज साबित होती है। इसी साल में आतंक ही आतंक मूवी आती है। इसमें हमें आमिर खान, रजनीकांत, जूही चावला और अर्चना जोगलेकर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इसकी बजट थी 2.50 करोड़ और इसने कमाई की थी 4.28 करोड़ की और ये मूवी एवरेज रही। इसी साल में आमिर की रंगीला मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 4.50 करोड़ और इसने दुनिया भर में 33.44 करोड़ की धमाकेदार कमाई की थी, जिस वजह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इस मूवी ने कुल 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे। इसी साल अकेले हम अकेले तुम मूवी आई थी। इसमें हमें आमिर खान, मनीषा कोयराला और आदिल रिजवी नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 4.50 करोड़ और इसने कमाई की थी 12.37 करोड़ की और ये मूवी अबव एवरेज रही। इसके बाद साल 1996 में आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी मूवी आई थी। इसमें हमें आमिर खान, करिश्मा कपूर, सुरेश ओबेरॉय, अर्चना पूरन सिंह और टीकू तलसानिया नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 5.75 करोड़ और इसने दुनिया भर में 76.35 करोड़ की बंपर कमाई की थी, जिस वजह से यह बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इस फिल्म ने कुल 5 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए थे। और साथ ही इसके बाद साल 1997 में इसने 7 स्क्रीन अवार्ड भी जीते थे। इसके बाद साल 1997 में इश्क मूवी आई थी। इसमें हमें आमिर खान, जूही चावला, अजय देवगन और काजल मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 11 करोड़ और इसने कमाई की थी 45.62 करोड़ की और यह मूवी सुपरहिट हुई थी। इसके बाद साल 1998 में गुलाम मूवी आई थी। इसमें हमें आमिर खान और रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इसकी बजट थी 7.25 करोड़ और इसने कमाई की थी 24.21 करोड़ की और ये मूवी हिट हुई थी। और इसी के साथ इस मूवी को बेस्ट स्क्रीन ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। इसके बाद 1999 में सरफरोश मूवी आती है। इसमें हमें आमिर खान, नसरुद्दीन शाह, सोनाली बिंद्रे और मुकेश ऋषि नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 8 करोड़ और इसने कमाई की थी 33.44 करोड़ की और यह मूवी हिट हुई थी और इस मूवी ने कुल 6 अवार्ड अपने नाम किए थे। इसी साल आमिर की मन मूवी आई थी। इसमें हमें आमिर खान, मनीषा कोयराला, शर्मिला टैगोर, नीरज बोरा और अनिल कपूर नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 14 करोड़ और इसने कमाई की थी 36 करोड़ की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल में मूवी आई थी 1947 अर्थ। इसमें हमें आमिर खान, राहुल खन्ना, नंदिता दास और माया सेठना नजर आई थी। इस मूवी की बजट थी 4.75 करोड़ और इसने कमाई की थी 9.21 करोड़ की और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2000 में आमिर की मेला मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, ट्विंकल खन्ना, फैजल खान और जॉनी लीवर नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 18 करोड़ और इसने कमाई की थी 29.12 करोड़ की और यह मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। इसके बाद साल 2001 में आमिर खान की लगान मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, ग्रेसी सिंह, रेचल सेली और पॉल ब्लैक थॉर्न नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 24 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 65.97 करोड़ की और यह मूवी हिट हुई थी। इसी के साथ इस मूवी को कुल 34 अवार्ड मिले थे। इसी साल में दिल चाहता है मूवी आती है। इस मूवी में हमें आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी और डिंपल कपाड़िया नजर आई थी। इस मूवी की बजट थी 14 करोड़ और इसने कमाई की थी 39.72 करोड़ की और यह मूवी एवरेज रही, लेकिन इस मूवी ने कुल 9 अवार्ड अपने नाम किए थे। इसके बाद साल 2005 में मंगल पांडे मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, टॉबी स्टेफेंसन, रानी मुखर्जी, अमीषा पटेल और किरण खेर नजर आई थी। इस मूवी की बजट थी 37 करोड़ और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 53 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद साल 2006 में रंग दे बसंती मूवी आई थी। इसमें हमें आमिर खान, सिद्धार्थ, आर माधवन, शरमन जोशी, अतुल
अग्निहोत्री, कुणाल कपूर, एलिस पैटन और सोहा अली खान नजर आई थी। इस मूवी की बजट थी 28 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 97 करोड़ 91 लाख की और यह मूवी हिट हुई थी। इसी साल में फना मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, काजोल, ऋषि कपूर, किरण खेर, तब्बू और शरद सक्सेना नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 30 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 106 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी और इस फिल्म ने कुल 3 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए थे। इसके बाद साल 2007 में आमिर खान की तारे जमीन पर मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, दर्शील साफरे, टिस्का चोपड़ा और विपिन शर्मा नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 18 करोड़ और इसने कमाई की थी 99 करोड़ की और यह मूवी सुपरहिट हुई थी। इसी के साथ इस मूवी ने 7 अवार्ड जीते थे। इसके बाद साल 2008 में आमिर खान की गजनी मूवी आई थी। यह मूवी साल 2005 में आई तमिल मूवी गजनी की ही हिंदी रीमेक थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, असीन, जिया खान, प्रदीप रावत और रियाज खान नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 45 करोड़ और इसने दुनिया भर में 195 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की थी, जिसके चलते यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होती है और इस मूवी ने 3 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए थे। साथ ही यह मूवी उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी बनी थी। इसके बाद साल 2009 में आमिर खान की 3 इडियट्स मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, आर माधवन, शरमन जोशी, करीना कपूर, बुमन ईरानी और ओमी वैद्या नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 55 करोड़ और इसने दुनिया भर में 460 करोड़ की बम्पर कमाई की। इसी के चलते यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इस मूवी ने कुल 10 अवार्ड अपने नाम किए थे और साथ ही यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी बनी थी। इसके बाद साल 2010 में धोबी घाट मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, मोनिका डोगरा, कृति मल्होत्रा और प्रतीक बब्बर नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 11 करोड़ और इसने कमाई की थी 27 करोड़ 26 लाख की और यह मूवी एवरेज रही। इसके बाद साल 2012 में तलाश मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और सरनाज पाटिल नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 45 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 180 करोड़ 83 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। इसके बाद साल 2013 में आमिर खान की धूम 3 मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, अभिषेक बच्चन, कैटरीना कैफ, उदय चोपड़ा, सिद्धार्थ निगम और जैकी श्रॉफ नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 125 करोड़ और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 589 करोड़ 20 लाख की और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित होती है। इस मूवी को कुल 9 अवार्ड मिले थे और यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी थी। इसके बाद साल 2014 में आमिर खान की पीके मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, अनुष्का शर्मा, सुशांत सिंह राजपूत, बुमन ईरानी, सौरभ शुक्ला और संजय दत्त नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 85 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 838 करोड़ 33 लाख की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित होती है और यह मूवी ने कुल 14 अवार्ड अपने नाम किए थे और साथ ही यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी बनी थी। इसके बाद साल 2016 में आमिर खान की दंगल मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, साक्षी तनवर, फातिमा शना शेख, जायरा वसीम, सानिया मल्होत्रा और अपर शक्ति खुराना नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 75 करोड़ और इसने दुनिया भर में 2160 करोड़ 33 लाख की धमाकेदार कमाई की थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इस फिल्म ने कुल 36 अवार्ड अपने नाम किए थे। दोस्तों, यह मूवी अभी तक की भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है और साथ ही यह भारत की पहली 1000 करोड़ की कमाई करने वाली मूवी भी बनी थी। इसके बाद साल 2017 में आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार मूवी आई थी। इस मूवी में हमें आमिर खान, जायरा वसीम, राज अर्जुन और मेहर विज नजर आई थी। इस मूवी की बजट थी 45 करोड़ और इसने दुनिया भर में कमाई की थी 987 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और साथ ही इस मूवी ने कुल 6 अवार्ड जीते थे। इसके बाद साल 2018 में आमिर खान की ठग ऑफ हिंदुस्तान मूवी आती है। इसमें हमें आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ और फातिमा सना शेख नजर आई थी। इस मूवी की बजट थी 240 करोड़ और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 335 करोड़ की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद साल 2022 में आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा फिल्म आई थी। यह फिल्म साल 1994 में आई हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म में हमें आमिर खान, करीना कपूर और नागा चैतन्य मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस मूवी की बजट थी 180 करोड़ और इसने कमाई की थी 129 करोड़ 64 लाख की और यह मूवी डिजास्टर साबित होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक जरूर कर देना।